अ वेरी गुड इवनिंग डियर व्यूज़ ऑफ द चैनल एजुकेट चैनल, और आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, कल का दिन 12 तारीख और काफ़ी तरफ से अपडेट्स आ रही थी कि रिजल्ट्स आ जाएगा, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं था हमारे CBSE की साइट पे। लेकिन दोपहर 11 बजे के करीब सबसे पहले मेल के माध्यम से स्कूलों में रिज़ल्ट डाल दिया गया और दोपहर के 1:30 बजे के करीब 10वीं का रिज़ल्ट भी आ गया। तो CBSE के रिजल्ट्स की जो पूरी चर्चा थी वो आज आपने सारा दिन वीडियोस में देखी, क्या रहा रिज़ल्ट, कितनी गिरावट आई, और ये सब तभी तमाम खबरें आपने आज देख ली होगी। कितने परसेंट रिज़ल्ट था, ओवरऑल क्या था, सारी लाइव अपडेट्स लगातार वो तमाम बच्चे देख रहे हैं, और मैं अपने चैनल के माध्यम से उन तमाम बच्चों को बधाई देता हूं जिन्होंने बहुत ही अच्छे अंकों से पास किया है अपने CBSE के 10वीं और 12वीं कक्षा के एग्ज़ाम्स को। उन बच्चों से भी बात करेंगे हम जिनके रिजल्ट्स नहीं रहे उनके एक्सपेक्टेशन से, वो क्या करें, और वो तमाम बच्चे जिनकी कंपार्टमेंट है वो क्या करेंगे। लेकिन इस वीडियो में उन तमाम बच्चे जो पास हो गए हैं और अब वो एडमिशन्स के लिए सर्च कर रहे हैं, उनके लिए हम अपनी चैनल के माध्यम से DHE लिए चल रहा हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन चंडीगढ़। हमारे तमाम गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेटली एडेड कॉलेजेस जिसका सेंट्रलाइज एडमिशन होता है, जो कि कराता है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन चंडीगढ़, और एडमिशन की नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाली है। और क्योंकि इस बार सेशन जो है सही टाइम से चल रहा है, पिछले 2 साल में कोविड के कारण एडमिशन का जो प्रोसेस था वो लेट होता था, एडमिशन भी बहुत देरी से होती थी, तो यहाँ से आपने अपना चेक करना है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। तो जैसे ही आप इस पेज पे आएंगे तो आपके पास इस तरीके का फोल्डर खुल जाएगा जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और हमारे पास ये लिस्ट ऑफ कॉलेजेस आ जाएगी। तमाम बच्चों का ड्रीम रहता है कि चंडीगढ़ में आकर पढ़ें, जो कि हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी, ओल्डेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहेंगे लेकिन स्टेट बॉडी के अंडर है, और इसलिए अपना एंट्रेंस खुद कनेक्ट करती है। बट इन कॉलेजेस ये एफिलेटेड है हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के साथ, और चंडीगढ़ के अंदर ही सारे तमाम कॉलेजेस हैं। इनका एडमिशन रहता है मेरिट बेसिस पे, लेकिन मेरिट काफ़ी हाई जाती है कुछ सब्जेक्ट्स की, और आसपास के जितने भी इलाके के बच्चे हैं CBSE बोर्ड में पास कर चुके हैं, अब उनका एडमिशन प्रोसेस शुरू होने वाला है। पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 11 को एजुकेशन, देन पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स सेक्टर 11, पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स सेक्टर 42, पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 46, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर 50, DAV कॉलेज सेक्टर 10, श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज सेक्टर 26, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज फॉर वुमेन्स सेक्टर 26, गोस्वामी गणेश दत्त SD कॉलेज सेक्टर 32, MCM DAV कॉलेज ये भी फॉर वुमेन्स है 36, और देव समाज कॉलेज फॉर वुमेन्स 45। इसके अलावा तीन हमारे प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर योगा एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर 23A, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर एजुकेशन सेक्टर 20, और गवर्नमेंट होम साइंस कॉलेज चंडीगढ़। इम्पॉर्टेंट डेट्स ओपनिंग कमिंग सून आ चुका है, क्लोजिंग डेट भी आ जाएगी, और इस साइट पे अगर हम देखें तो यहाँ से जॉइंट प्रोस्पेक्टस आ जाएगा, और साथ में हमारे पास यहाँ से सारी एडमिशन्स की जो अपडेट्स हैं, अभी तो पिछले बार की है,
तो वो भी सारी अपडेट्स यहीं से आ जाएगी। तो ये हमारी ऑफिशियल साइट है DHE चंडीगढ़ की। तो अब जैसे ही पल एडमिशन का नोटिफिकेशन आएगा तो तुरंत आपको बता दी जाएगी। तो चैनल के साथ जुड़ना मत भूलें, चैनल की वीडियोस को अंत तक ज़रूर देखें, और तमाम उन बच्चों से यही आग्रह है जो मेरे अब नए व्यूअर्स बन रहे हैं, वो अपने जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं, कॉलेज ग्रुप्स हैं, स्कूल ग्रुप्स हैं, उसमें वीडियोस को शेयर करें, जिससे कि तमाम बच्चों को इन वीडियो का लाभ पहुंच सके और हमारी जो वीडियोस हैं वो हर बच्चे तक पहुंच सके। एडमिशन का पूरा सफ़र हम इस चैनल के माध्यम से सफ़र तय करेंगे और आपको हर प्रकार की गाइडेंस इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। मेरे दोनों सालों के फोल्डर्स के अंदर आपको तमाम वीडियोस मिल जाएंगी, आपकी जितनी भी क्वारीज है, स्पोर्ट्स कोटा क्या है, गर्ल्स कैंडिडेट कितना है, कितनी मेरिट जाती है, किसके कोर्स में कितनी सीटें हैं, सब अपडेट्स आपको चैनल की वीडियोस में मिल जाएगी। तो इस वीडियो को यहीं प्री क्लोज करते हैं। शुभ दिन, कल का दिन आपका मंगलमय हो और इसी तरीके से चैनल के साथ जुड़ते रहें। धन्यवाद। Thank you.